नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज आलू और चावले की फली की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 150 ग्राम चावले की फली से बारीक काट लिए, दो आलू इन्हें भी काट लिए, एक टमाटर, एक प्याज और हरी मिर्ची, एक बड़ा चम्मच तेल का है गरम कर लिया है। अब उसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, आधी चम्मच जीरा, और इसमें ये चीज डाल देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। छोले की फली और आलू ये भी डाल देंगे। अभी ना मिक्स कर लेंगे। अब से मसाले डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना सा पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस फुल कर देंगे और ढक्कन लगा के एक सीटी लेके गैस बंद कर देंगे। एक सीटी ली थी, भाप खत्म हो गई है, अब चेक कर लेते हैं। आलू सीज गए हैं, देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे बाउल में। ये हमारी आलू चावले की फली की सब्जी बनके तैयार हो गई है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।